हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइनोफाइसी क्लास के मेंबर ऑसिलेटेरिया की थैलस स्ट्रक्चर में उसमें जनन के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर से पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में हमने एल्गी यानी कि शैवालों के वर्गीकरण, उनके लक्षण, उनमें पाए जाने वाले पिगमेंट्स, एफिफ्रिज का वर्गीकरण इत्यादि के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम इसके प्रथम जीनस, प्रथम क्लास साइनोफाइसी के जीनस ऑसिलेटोरिया के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसमें सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम बात करें तो यह क्लास साइनोफाइसी का मेंबर है। साइनोफाइसी एक ब्लू ग्रीन एल्गी की क्लास है जिसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोर बीटा कैरोटीन, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोरिथ्रिन एवं रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। इसका ऑर्डर है नोस्ट्रोकेल्स और नोस्ट्रोकेल्स ऑर्डर नीलगिरी शैवालों का सबसे बड़ा एवं प्रमुख ऑर्डर है। इसके सदस्य बहुकोशिकीय एवं फिलामेंटस होते हैं। तंतु प्राय अशाखित होते हैं परंतु कुछ सदस्यों में फॉल्स ब्रांचेस पाई जाती हैं और इस वर्ग के लगभग सभी सदस्यों में हेटरोसिस्ट सामान्य रूप से पाई जाती है। इनमें अलैंगिक जनन हार्मोगोनिया, काइनेट्स, एंडोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स, फॉर्मोस्पोर्स के द्वारा होता है। फैमिली है इसकी ऑसिलोटेसी। ऑसिलोटेसी साइनोफाइसी वर्ग का सबसे बड़ा कुल है और इसमें सम्मिलित शैवाल फिलामेंटस होते हैं। तंतु अशाखित एवं एक पंक्तिक होते हैं और तंतु की सभी कोशिकाएं संरचना में समान होती हैं तथा उनकी चौड़ाई लगभग बराबर होती है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो सभी सदस्यों में कोशिकाओं की बाह्य सतह पर समांग श्लेष्मी आवरण होमोजीनस मिश्रित जीनस कवरिंग होती है। इसमें वृद्धि इंटरकैलरी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। हेटरोसिस्ट की अनुपस्थिति तथा तंतुल की दोलक गति इस कुल के प्रमुख लक्षण है। हमने बात की कि नोस्ट्रोकेल्स ऑर्डर में जो है वो हेटरोसिस्ट पाई जाती हैं लगभग सभी में, लेकिन ऑसिलोटेरेसी फैमिली में हेटरोसिस्ट की अब्सेंस तथा तंतुओं की दोलक गति इस वर्ग के यानी इस कुल के यानी कि ऑसिलोटेरेसी फैमिली के प्रमुख लक्षण हैं। जीनस की हम बात करें तो ये जीनस है ऑसिलोटेरिया और इसकी लगभग 105 जातियां अब तक रिपोर्ट की जा चुकी है। हम इसकी अक्रेंस की बात करें, ये कहाँ कहाँ मिलेगा, तो यह एक फ्रेश वाटर एल्गी है, अलवण जलीय शैवाल है जिसकी लगभग 100 से ज्यादा जातियां ज्ञात हैं। यह बरसाती पानी के गड्ढों में, नालों में, दूषित जल के तालाबों में मिलती है। इसके वर्गीकरण डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण की अगर हम बात करें तो ऑसिलोटेरिया प्रोलिफिका एक प्लैंक्टोनिक जाति है। ऑसिलोटेरिया टेरिब्रिफॉर्मेस गर्म स्रोतों में, गर्म झरनों में पाई जाती है। ऑसिलोटेरिया सलाइना और ऑसिलोटेरिया लाइमोसा खारे पानी में पाई जाने वाली जातियां हैं। इसकी भारत में निम्नलिखित जातियां प्रमुखता से मिलती हैं, जैसे ऑसिलोटेरिया फॉर्मोसा, ऑसिलोटेरिया सेंटा, ऑसिलोटेरिया प्रिंसेप्स व ऑसिलोटेरिया डिकलोरेटा। अगर हम इसके थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका थैलस स्ट्रक्चर एक अशाखित तंतुल शैवाल है, जैसा आप देख पा रहे हैं अशाखित है, सिंगल फिलामेंटस एल्गी है, ये शैवाल है, एक अशाखित तंतुल शैवाल है। इसके तंतु हमें इनके तंतु को हम ट्राइकोम्स कहते हैं जो प्राय सघन जाल बनाते हैं। कभी कभी ट्राइकोम स्वतंत्र रूप से भी पाए जा सकते हैं। प्रत्येक ट्राइकोम अनेक कोशिकाओं से निर्मित होता है जो एक पंक्ति के क्रम में व्यवस्थित होती हैं और ये सभी कोशिकाएं आकार एवं संरचना में समान होती हैं। इनकी चौड़ाई प्राय लंबाई से अधिक होती है, आप देख पा रहे हैं तो जो चौड़ाई है वो लंबाई से अधिक है। इस प्रकार का एक फिलामेंटस एल्गी है। सामान्यतया ट्राइकोम आधार से शीर्ष तक एक समान होते हैं, लेकिन अधिकांश जातियों में एपिकल सेल के आकार में विविधता मिलती है। आप देख रहे हैं ये अलग अलग चार एबीसीडी चार जो है तंतु है, ये चारों ऑसिलोटेरिया के ही तंतु हैं लेकिन अलग अलग जातियों के हैं और इनके एपिकल सेल देखें आप, ऊपर वाली जो कोशिका है उसके आकार में ये डोम शेप है, ये नुकीली है, ये डिस्क शेप है, ये कैलिप्ट्रा, इनके चारों में अलग अलग प्रकार की आपको देखो देखने को मिल रही है इनके एपिकल सेल, यानी कि एपिकल सेल में
विविधता पाई जाती है। ऑस्टेटोरिया एनी में कॉन्वेक्स होता है जो अपिकल सेल है। ऑस्टेटोरिया एक्यूमिनेटा में जो सिरा है यानी कि जो अपिकल सेल है वो एक्यूमिनेट होती है। ऑस्टेटोरिया प्रिंसेप्स में ये डिस्कॉइड शेप की होती है और प्रोबोसिबिया में कैलिप्ट्रा प्रेजेंट होता है। ये देखें आप, पहली है ऑस्टेटोरिया एनी जिसमें ये कॉन्वेक्स है, उत्तल प्रकार का जो है उसमें मिल रहा है आपको एपिकल सेल। सेकंड जो है एनी में एक्यूमिनेटा में एक्यूमिनेट है। थर्ड प्रिंसेप्स में डिस्कॉइड डिस्क शेप की है और डी प्रोबोसिडिया में ये कैलिप्ट्रा प्रेजेंट होता है। और स्ट्राइकोम जो है नग्न होगा अथवा बहुत ही पतले श्लेष्मीय आवरण से ढके होते हैं। हम इसके सेल की बात करें, एक कोशिका की अगर हम बात करें तो ट्राइकोम के सभी कोशिकाओं की संरचना समान होती है और ये कोशिका जो होती है वो प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक सेल है। हमें पता है ये ब्लूबेल एल्गी क्लास है, हेलोफाइसिन के मेंबर्स जो है वो सारे प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु भित्ति से समानता दर्शाती है जो कि मुख्यतया पॉलीम्यूक्लियोपेप्टाइड से बनी होती है। कोशिका का जीवद्रव्य दो भागों में विभेदित होता है, बाहर वाला जो भाग होता है उसको हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं और जो भीतरी भाग होता है उसको हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। ये सेल वॉल है। इस सेल वॉल के अंदर आप देखें नीचे की तरफ ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ऊपर की तरफ सेल वॉल है और सेल वॉल के ऊपर मिशेलिजेनस सीथ है। हमने कहा इसके ऊपर मिशेलिजेनस आवरण पाया जाता है। मिशेलिजेनस आवरण और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो भाग है वो सेल वॉल कहलाता है। और सेल वॉल चार भागों से मिलकर बनी होती है, L1, L2, L3 और L4। जो L4 सिरा है वो सबसे बाहर की तरफ यानी कि मिशेलिजेनस सीथ की तरफ होता है और जो कि L1 सिरा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। अब हम इसकी सेल की प्रारूपिक कोशिका जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है के बारे में बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि जो बाहर वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन इसको हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं जिसमें कि क्रोमेटिन कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। ये देखिए थाइलेकोइड्स हैं, इन थाइलेकोइड्स के ऊपर ये जो पेरिफेरी के अंदर थाइलेकोइड्स हैं और इनके ऊपर ये जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स लगे हुए हैं, इसीलिए इस चीज को हम क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं। परिधीय जो भाग होता है उसको हमने क्रोमोप्लाज्म नाम दिया गया है तथा इससे जो घिरा हुआ भाग है वो सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है, केंद्रीय भाग। क्रोमोप्लाज्म में एक दोहरी जीवद्रव्य कला से घिरा रहता है। इस भाग में अनियमित रूप से व्यवस्थित अनेक फोटोसिंथेटिक लेमिली यानी कि प्रकाश संश्लेषी पटलिकाएं अथवा थाइलेकोइड पाए जाते हैं और जिनकी सतह पर वर्णक विकृत होते हैं। इनमें अन्य पौधों की भांति ब्लास्टिड्स नहीं होते हैं। इन्हें शैवालों में अन्य वर्णकों की तुलना में सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्लवकीय जातियों की खास बात है कि प्लवकीय जातियों के क्रोमोप्लाज्म में स्यूडो वैक्यूल्स पाई जाती हैं जिनमें संभवतः उपापचयी गैसें भरी रहती हैं। रिक्तिकाओं का निर्माण प्राय मंद प्रकाश में होता है जिससे फलस्वरूप इनकी प्लवनशीलता बढ़ जाती है और तंतु पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। पानी की सतह पर अधिक प्रकाश मिलने के कारण ये रिक्तिकाएं फट जाती हैं और पुनः पानी में डूब जाती हैं। कोशिका के केंद्रीय कणिका में सेंट्रोप्लाज्म में न्यूक्लियर मैटर पाया जाता है। केंद्रक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का अभाव होता है। क्रोमेटिन कणिकाएं सेंट्रोप्लाज्म में वितरित रहती हैं। ये क्रोमेटिन कणिकाएं हैं जो सेंट्रोप्लाज्म में वितरित है, बीच में आप देखें। इस प्रकार के केंद्रक को हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस अब आरंभिक केंद्रक कहते हैं। इसके अलावा इसमें पॉलीहेड्रल बॉडीज भी पाई जाती हैं। इन पॉलीहेड्रल बॉडीज के अंदर राइबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम होता है जो CO2 फिक्सेशन में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त इनमें पॉलीफॉस्फेट बॉडीज भी मिलती हैं, पॉलीग्लुकोन कोनिकाएं भी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो दो भागों में, बाहरी क्रोमोप्लाज्म भीतरी सेंट्रोप्लाज्म में डिवाइडेड है और एक ही प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन पाया जाता है जिसको बोलते हैं गाइडुकोव घटना या गाइडुकोव फिनोमेनन। गाइडुकोव 1902 वैज्ञानिक थे। उन्होंने पाया कि ऑस्टेटोरिया की जातियां विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के प्रभावन से विविध शेड्स अलग अलग प्रकार के कलर जो है वो देती हैं। जैसे लाल प्रकाश अगर आप डालोगे तो लाल प्रकाश में वो हरी कलर का आपको शेड देगी और हरे प्रकाश डालेंगे तो वो नीले रंग का शेड देगी,
लाल नीले रंग का शेड देगी, और अगर पीले प्रकाश अगर हम उसको डालते हैं तो नीला हरा रंग दर्शाती हैं। तो प्रकाश के इसी कॉम्प्लीमेंट्री रंग परिवर्तन की सामर्थ्य को ही हम गैडुगो फिनोमेनन कहते हैं, और यह अनुकूलन शैवालों के लिए लाभदायक है क्योंकि इससे शैवाल प्रकाश संश्लेषण के लिए प्राप्य प्रकाश को अधिकतम अवशोषित करने में समर्थ होता है। तो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट है, फायदे वाली परिघटना है जिसको गैडुकोव ने देखा और उसे हमने गैडुगो फिनोमेनन भी नाम दिया। अब होती है इसमें गति। गति इसमें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्लाइडिंग मोमेंट और एक होती है ऑसिलेटरी मोमेंट। जो ग्लाइडिंग मोमेंट है जो आप चित्र ए में देख पा रहे हैं वो यूं चिपक चिपक के ग्लाइड होता हुआ सतह के साथ ही चलता है, ठोस इस अधो स्तर पर बिना किसी दृश्य अंगों की सहायता से आवर्ती गति होती है, तो इसे हम विसर्पी गति कहते हैं। और ये जो है इस वाली गति में मिश्रीजन सीत जो चिपचिपी होती है चिकनी होती है वो इसको मदद करती है, उसकी सहायता से चिपक चिपक कर ये आगे की तरफ बढ़ता है। दूसरा है इसमें ऑसिलेटरी गति और बहुत ही महत्वपूर्ण गति है दोलन गति। इस वाली गति में आप देख पा रहे हैं जो तंतु होता है वो एक बार राइट की तरफ मूव करता है, एक बार लेफ्ट की तरफ मूव करता है, और इस प्रकार से घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसकी तरह गति करता है, वही आगे बढ़ता है। इस प्रकार की गति ऑसिलेटोरिया का लाक्षणिक गुण है, और इसी आधार पर ही इस शैवाल का नाम ऑसिलेटोरिया, इसी ऑसिलेटरी मोमेंट ऑसिलेशन करने के कारण ही इस शैवाल का नाम ऑसिलेटोरिया रखा गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑसिलेटोरिया का नाम ऑसिलेटोरिया क्यों रखा गया है, इसके मोमेंट के कारण, ऑसिलेटरी मोमेंट के कारण इसका नाम ऑसिलेटोरिया रखा गया है। जनन की हम बात करें तो इसमें जनन केवल और केवल कायिक विधियों द्वारा होता है। हमें पता है कि इनमें अलैंगिक वलैंगिक जनन का पूर्णतया अभाव होता है, इसमें सिर्फ केवल और केवल कायिक प्रवर्धन होता है, और वो भी दो विधियों से, हार्मोगोनिया के द्वारा और खंडन के द्वारा। चित्र की सहायता से हम समझें तो ये देखें आप, जब कोई तंतु इस प्रकार का एक तंतु है, इस तंतु के अंदर देखो बीच बीच में कुछ सेल्स डेड हो जाती हैं, और डेड सेल्स के अंदर द्रव्य पदार्थ बढ़ जाते हैं और वो जो है वो इस प्रकार से अलग एक डिस्क की तरह काम करते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे तंतुओं से यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा तो ये सेपरेशन डिस्क है। इस तंतु को यहाँ से उसने हटा दिया है संपर्क को, और यहाँ पर भी अगर एक सेपरेशन डिस्क और बन जाती है जिनको हम नेक्रिडिया कहते हैं। इन सेपरेशन डिस्क को हम क्या बोलेंगे, नेक्रिडिया बोलेंगे, नेक्रिडियम या नेक्रिडिया बोलते हैं, वो बन जाते हैं। और जो बीच में जो तंतु होता है, ये जो तंतु है ये हार्मोगोनियम कहलाता है, और इसी हार्मोगोनियम मृतोषिक इसी हार्मोगोनियम जब ये अलग हो जाएंगे सेपरेशन डिस्क तो ये हार्मोगोनियम अलग हो जाएगा, और इस प्रत्येक खंड की कोशिकाएं विभाजित होकर नए तंतु का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन की, तो कभी कभी कटने या यांत्रिक क्षति से तंतु छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, और इन खंडों में भी हार्मोगोनिया के समान कोशिका विभाजन द्वारा नया खंड बनाने की क्षमता होती है। तो इन्हीं दो प्रकारों से ऑसिलेटोरिया में जनन होता है। तो इस प्रकार ऑसिलेटोरिया की थैलस स्ट्रक्चर व जनन का जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट किया है। बहुत ही छोटा और सरल चैप्टर है जिसे आप फर्दर CBH, रस्तोगी या अलका पब्लिकेशन की किताब से पढ़कर अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। थैंक यू।